सो हे गाइस, मैं हूँ विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर जो आइटम है उनको एक एक करके ड्रॉप कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने पीसी में देखा होगा कि इस तरीके से जो आइटम हो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो और ये 100% वर्किंग भी है। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में भी शेयर कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह की जो वीडियो लाता रहता हूँ तो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल के ऊपर सेट कर दो। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी कैसे जो आइटम है वन बाय वन ड्रॉप कर सकते। तो इस चीज के लिए आप लोगों को एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। उस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग सिंपली जाके वो जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन के अंदर। आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को वहीं पे बता देता हूँ कि आप लोग कैसे उसे एक्टिवेट करोगे। तो जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उस ऐप का नाम है की मैपर ऐप। तो आप लोगों को सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो फॉरवर्ड वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करते रहना है आप लोगों को, और यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो फिक्स वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ से, और यहाँ से जो की मैपर है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आप लोगों को दोबारा से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आप लोगों को जो दूसरा वाला है फिक्स वाला इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो की मैपर वाला लिखा हुआ है इसको यहाँ से ऑन कर देना है। यहाँ से ऑन कर देने के बाद में आप लोगों को दोबारा से बैक आ जाना है। दोबारा से बैक आने के बाद में हम नीचे की साइड देखिए, लेफ्ट साइड के अंदर जो तीन लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे जो इनपुट मेथड दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो की मेपर वाला जो कीबोर्ड है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक जो ट्रिगर है उसको रिकॉर्ड करना है। मैं यहाँ पे जो मेरे वॉल्यूम अप वाला जो बटन है इसकी जो ट्रिगर है उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड ट्रिगर पर क्लिक करना है। वॉल्यूम अप वाला बटन है उसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने रिकॉर्ड ट्रिगर करके और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम अप वाला बटन किया तो उसने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है वॉल्यूम अप। यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, जो एक्शन वाला है इसके अंदर आ जाना है। यहाँ से आप लोगों को ऐड एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे की कोड के अंदर आ जाना है। की कोड में आने के बाद में आप लोगों को नीचे की साइड आना है। यहाँ पे जो ये की कोड क्यू लिखा हुआ है आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो की कोड है इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, नीचे की साइड राइट हैंड साइड में जो सेव का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देखिए, आप लोगों ने जो की कोड डाला था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आप लोगों को क्या कर देना है, सब कुछ बंद कर देना है और दोबारा से अपना माइनक्राफ्ट है उसे ओपन कर लेना है। माइनक्राफ्ट है उसके अंदर कोई भी वर्ल्ड जो है उसे ओपन कर लेना है। और आप लोगों को क्या करना है, जो वॉल्यूम अप वाला जो बटन है इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग जो वॉल्यूम अप वाला जो बटन क्लिक करोगे तो आप लोग जो भी आइटम है आपके हाथ में वो वन बाय वन करके ड्रॉप करने लग जाओगे। और आप लोग उसे दबा के रखोगे तो ये देखिए लगातार वो जो आइटम है वो ड्रॉप करता रहेगा। ये तो ये आइटम जो है खत्म हो गया, तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर रहा। ये दोबारा से उठा लेता हूँ और दोबारा से आप लोग देखिए जो आइटम है वो ड्रॉप हो रहे हैं लगातार। तो मैं इनको दोबारा से उठा लेता हूँ। लेकिन यार इस मेथड की एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जब वॉल्यूम अप करना चाहोगे अपने गेम के अंदर, लेकिन वो वॉल्यूम जो है वो अप नहीं होगी, इससे जो आपका आइटम है वही ड्रॉप होगा इस तरीके से। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को क्या करना है, जो मैसेज वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो मैसेज बॉक्स वाला है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी जो साइड बार है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ पे देखिए जो कीबोर्ड का जो लोगो आ रहा है आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो कीबोर्ड के ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोग जो भी कीबोर्ड यूज़ करते हो उसके ऊपर यहाँ पे आ जाना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लेके बैक करिए, और अब आप लोग जैसे यहाँ पे देखिए ये जो क्लिक कर रहे हो वॉल्यूम अप के ऊपर, तो जो वॉल्यूम अप वो अप हो रही है ना कि आइटम ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है वन बाय वन करके जो आइटम है वो ड्रॉप कर सकते हो इस मेथड की मदद से। अगर आपको ये जो वीडियो है थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।